आपके यहाँ बाउंड्री वॉल ना होने से आप लोगों को क्या समस्या होती है बेटा? आगे पानी भर जाता है और हम लोगों को निकलने की दिक्कत होती है। हम लोग घूम के आते हैं, मच्छर भी होते हैं हम लोगों के लाने, और मलेरिया बुखार हो जाता है, और हम लोग को स्कूल को नागा भी होता है, और जानवर भी फिर आते हैं बाउंड्री वॉल होने की वजह से। बिल्डिंग सुरक्षित रहती है ना, ग्राउंड सुरक्षित रहता है, और ना हम लोग सुरक्षित रहते हैं। जानवर भी आते हैं, परेशान करते हैं, दीवारों से घिसते हैं, कक्षाओं के अंदर पड़ जाते हैं, किचन की आजू बाजू घूमते हैं, और हम लोग और बच्चे लोग शौचालय और टॉयलेट बाथरूम का तो उपयोग नहीं कर पाओ, क्योंकि वहाँ जानवर दो दो दस दस वहाँ सोते रहते हैं, पड़े हैं। कम से कम 3 फुट पानी पूरे कमरों में भर चुके हैं। तो क्या कमरे भी गीले रहते हैं? पानी तो घंटा दो घंटा के लाने कमरों में भी भर जाते, फट्टियाँ गीली हो जाते। बाउंड्री जरूरी है कि कुछ कुछ तो होने चाहिए। यहाँ पर हैंडपम्प भी नहीं है, हम लोग घर से पानी लाते हैं। जब घर का पानी बढ़ा जाता तो हम लोग प्यासे बैठे रहते हैं। और आपके यहाँ जो खाना बनता है वहाँ कहाँ से आता है पानी? बेघर से लाती हैं। स्कूल में पहले नल था या नहीं था सर? हाई स्कूल में नल था, लेकिन बाउंड्री वॉल ना होने के कारण गांव के लोग उससे पानी भरते थे, और अब हम लोग तो 4 बजे 4:30 बजे छुट्टी हुई ताला लगा के चले जाए, इस दरमियान उस नल को तोड़ दिया है और अब नल की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जिसमें यह व्यवस्था कही गई है कि बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान, व्यवस्थित और सुरक्षित बाउंड्री वॉल और खेलकूद का मैदान होना चाहिए, जो कि इस पाठशाला में इस नियम का उल्लंघन है। इसके लिए बदलाव अधिकारी हैं, जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं वो हैं श्रीमान कौल जी, जिनका फ़ोन नंबर है 99-93-08-66-82। मैं आरती वाल्मीकि, जिला दमोह, बटियागढ़ जिला दमोह, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।